श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवन, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन मतलब समुद्र मंथन क्यों कराया। समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया, ये आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए, विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, यदा दुर्वास सहसा पात सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशाभवन्तत्रो निःशुज्यादया क्रिया। श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, इंद्र तीनों लोकों का राजा बना, राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया और अभिमान में चूर होकर के इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके संसार का यहां वहां भ्रमण करने लगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, इंद्र का मान सम्मान करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। पर दुर्वासा ऋषि ऋषि थे और ऋषि के पास क्या होगा, कुछ भी नहीं। दुर्वासा ऋषि के पास एक साधारण सी फूलों की माला थी, वही इंद्र के गले में पहना दी। माला को पहन करके इंद्र सोचता है कि मैं तीनों लोकों का राजा हूं और मुझ जैसे तीनों लोकों के राजा के ऊपर ये साधारण से फूलों की माला शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। इंद्र ने वह माला गले से निकाली, गले से निकाल करके हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वह माला सूंड से पृथ्वी पर गिराई और अपने पैर से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया है, तो कोई बात नहीं, इंद्र ने मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया है। और दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना अहंकार है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, तुम दरिद्री हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, तुम दरिद्रता प्राप्त हो तुम्हें, श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि जितने भी देवता थे वो लक्ष्मीहीन हो गए।
स्वर्ग का राज्य भी देवताओं से छिन गया और स्वर्ग में राक्षसों ने जाकर के अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया, कब्जा कर लिया, अपना अधिकार जमाया। सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे, भटकने लगे, घूमने लगे। क्या किया जाए? सभी देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच करके अपनी परिस्थिति का विस्तार से वर्णन किया कि ऐसी ऐसी बात है। पहले तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को खूब बातें सुनाई और फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि इस समय तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। यदि अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो एक काम करो, भगवान विष्णु के पास जाओ। केवल भगवान श्री हरि नारायण ही हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देवताओं ने कहा कि ये कहना तो बहुत सरल है कि भगवान विष्णु के पास जाओ, ये कहना बहुत सरल है कि भगवान विष्णु के पास जाओ, पर उनके पास जाना कठिन है। क्यों? कहा किसी को पता नहीं है वो रहते कहां हैं। किसी को पता है भगवान विष्णु कहां रहते हैं? कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है द्वारिकापुरी में रहते हैं, कोई कहता है जगन्नाथ धाम में रहते हैं, कोई कहता है बद्री विशाल में रहते हैं, कोई कहता है श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, कोई कहता है साकेत वासी हैं, कोई कहता है गोलोक वासी हैं। रहते कहां हैं? किसी को नहीं पता। मानो हम इन सारी जगह पे चले भी गए, गोलोक चले जाएं, साकेत चले जाएं, बैकुंठ चले जाएं, वृंदावन जाएं, बद्रीनाथ जाएं, जगन्नाथ जाएं, द्वारिकापुरी जाएं, उसके बाद भी भगवान नहीं मिले तो? क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो है नहीं कि कहां मिलेंगे, कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, कोई नहीं जानता। तो भगवान कहां रहते हैं ये किसी को नहीं पता। एक बार की बात है, किसी से नारद जी ने कह दिया, नारद जी को तो हम सब जानते हैं, नारद जी से किसी ने कह दिया कि देवर्षि नारद आप जानते हो भगवान कहां रहते हैं? नारद जी ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल जानता हूं कहां रहते हैं। कहां रहते हैं? कहा बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में। उस भक्त ने कहा बिल्कुल गलत। नारद जी ने कहा तो तुम ही बता दो कहां रहते हैं। भक्त ने कहा आपके हृदय में रहते हैं। अब नारद जी बड़े प्रसन्न, किसी से कोई कह दे या आपसे या हमसे कोई कह दे कि भगवान तो बिल्कुल आपके हृदय में रहते हैं, हम तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे खुशी में, प्रसन्नता में। नारद जी की भी वही स्थिति हुई। जब भक्त ने कहा कि भगवान आपके हृदय में रहते हैं, नारद जी बिल्कुल प्रसन्न हो गए, खूब ज्यादा प्रसन्नता, प्रसन्न तो हो गए। लेकिन नारद जी सोचते हैं एक बार भगवान से ही पूछा जाए आप कहां रहते हैं। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, प्रभु आप कहां रहते हो? भगवान ने उत्तर दिया, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी खुश हो गए, अब तो भगवान यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं।
तो दूसरा वाक्य भगवान कहते हैं, योगिनाम हृदये न चो, मैं तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अब नारद जी की प्रसन्नता थोड़ी कम हुई, तो कहाँ रहते हो? कहा मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। हे देवर्षि नारद, जहाँ मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके कीर्तन और संकीर्तन करके मुझे बुलाते हैं, मैं अपने भक्तों के बीच में वहीं पहुंच जाता हूँ। भगवान के रहने का स्थान है भक्तों के बीच में। कहाँ रहते हैं? भक्तों के बीच में, ना बैकुंठ में, ना साकेत में, ना द्वारिका में, ना क्षीर सागर में, ना यहाँ ना वहाँ। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान।